नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक ऐसे घटनाक्रम का अपडेट लेने के लिए जिसके ऊपर हमने लगभग आज से काफी दिन पहले लगभग 20 अक्टूबर को एक सेशन किया था, जिस सेशन में हमने आपको यह बताया था कि अडानी को नीचा गिराने के लिए संसद की शक्ति का महुआ मोइत्रा के द्वारा दुरुपयोग किया गया है। दुरुपयोग क्या था कि आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल से एक सांसद आती हैं जिनका नाम है महुआ मोइत्रा। उन्होंने खुद रिवील किया है कि वो 49 साल की हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हुआ करती थी, फिलहाल वो सांसद बनी हैं, फर्स्ट टाइम सांसद हैं। भारत की संसद में जहां 78 महिला सांसद हैं उनमें से वो एक महिला सांसद भी हैं। लेकिन आज जब मैं आपको ये खबर सुना रहा हूं, उनकी सांसदी चली गई है, यही तो न्यूज है जो हम आपको सुना रहे हैं। सांसदी का कहां से जाना शुरू हुआ, इसके लिए मैंने 20 तारीख को जो सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि क्या अडानी को नीचा गिराने के लिए संसद का दुरुपयोग हुआ है, ये एक जानकारी थी जो मैंने आपके साथ में सेशन में कही थी। ऐसा क्या था महुआ मोइत्रा के मामले में, हल्का सा ब्रीफ इंट्रो शुरुआत में दे देता हूं, फिर डिटेल में देंगे। इनके एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था जय अनंत देहाद्राई। उन्होंने इनकी कुछ जानकारियां बीजेपी के एक अन्य सांसद जिनका नाम है निशिकांत दुबे, उनको निकाल कर दी थी और कहा था कि ये सवाल पूछने के पैसे लेती हैं। अब आप पूछेंगे सर सवाल पूछना कहां था, तो सवाल पूछना था संसद में। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि संसद के अंदर सत्र तीन होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सत्र, और इन सत्रों के अंदर सवाल पूछने का काम मंत्रिपरिषद के थ्रू मंत्रिपरिषद से किया जाता है। लोग सवाल पूछते हैं, तीन प्रकार के प्रश्न सामान्यतया पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। प्रश्नों में जानकारी जो है वो सरकार द्वारा दी जाती है, इसलिए वो जानकारी बड़ी ऑथेंटिक मानी जाती है कि अगर वो जानकारी दी गई है तो वो बड़े काम की है, क्योंकि उन जानकारी का उपयोग आप डॉक्यूमेंटेशन के रूप में कर सकते हैं क्योंकि सरकार की लिखित जानकारी है। ये प्रश्न आप और हम जब पूछते हैं जिज्ञासा मिटाने के लिए पूछते हैं, सांसद लोग जब पूछते हैं तो अपने कार्य का अपडेट जानने के लिए पूछते हैं। महुआ मोइत्रा ने ये जो प्रश्न पूछे थे, ये प्रश्न उन्होंने एक अन्य व्यापारी या कहें तो बिजनेसमैन है जिसका नाम है हीरा नंदानी, उसको लाभ पहुंचाने के लिए पूछे, ये आरोप लगा। हीरा नंदानी को क्या लाभ पहुंचाना था और किससे लाभ पहुंच सकता था, तो मामला निकल कर आया कि हीरा नंदानी के कहने पर महुआ मोइत्रा ने अडानी के संबंध में सरकार से सवाल पूछे, सरकार ने अडानी के संबंध में जवाब दिए और महुआ मोइत्रा उनके जवाब सीधा हीरा नंदानी को देती रही। सवाल बना, यह कैसे पता कि हीरा नंदानी को जवाब दिए जा रहे थे? भाई साहब, ये जो मित्र थे महुआ मोइत्रा के जय अनंत देहाद्राई, इन्होंने जानकारी यह दी कि इनके लॉगिन आईडी पासवर्ड तक हीरा नंदानी के पास है। अब ये कौन से सर लॉगिन आईडी और पासवर्ड है? देखिए, सवाल जवाब करने के लिए संसद की जो व्यवस्था है इसमें जिस सांसद को सवाल पूछने होते हैं वो स्पीकर महोदय के पास सवाल पहले ही पहुंचा देते हैं कि हमें ये सवाल पूछने हैं। कैसे पहुंचाते हैं? ऑनलाइन। ऑनलाइन किसके थ्रू? लैपटॉप के माध्यम से पहुंचाते होंगे, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाते होंगे। तो सवाल बचाने के लिए संसद के अंदर ऑनलाइन सिस्टम है। अब उस ऑनलाइन सिस्टम का लॉगिन आईडी पासवर्ड हर सांसद को दिया हुआ है। सांसद महोदय द्वारा वो जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो अपने मित्र को दिया हुआ था, ये कहा इनके एक अन्य मित्र ने, महुआ मोइत्रा के मित्र ने। बस यहीं से यह मामला दो विषयों के ऊपर निकलकर आ गया। पहला, सवाल पूछने का हक जब किसी सांसद का है तो सवाल पूछने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को यह काम क्यों दिया गया, यानी यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो गया। भाई, आप सांसद बने ही इसलिए हो क्योंकि जनता की बातें पूछ सको, आपने तो अपनी सारी की सारी सिक्योरिटी किसी और को हाथ में दे दी, नंबर एक। और दूसरा बड़ा सवाल यह बनकर आया, इनके मित्र जयानंद देहाद्राई ने, जिनके साथ फिलहाल इनका थोड़ा सा ठीक मामला नहीं चल रहा है, इन्होंने भी उसके खिलाफ शिकायतें कर रखी हैं, उसने ये तक कहा कि ये सवाल पूछने के बदले हीरा नंदानी से महंगे पर्स, महंगे गिफ्ट ये सब लिया करती थी। अच्छा, एक बार हमने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि मैडम के द्वारा लुई विटो का जो बहुत महंगा पर्स आता है वो यूज किया जाता है, महंगे परफ्यूम, हो सकता है लोग अपने कमाने से बहुत सारी चीजें उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन आरोप था कि हीरा नंदानी इन्हें महंगे गिफ्ट देते हैं, जिसको इन्होंने खुद स्वीकार किया एक टीवी इंटरव्यू में कि हां, मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए भी हैं। तो यहां दो तरह का मामला बनकर आया, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला और दूसरा कैश फॉर क्वेरी का मामला, यानी कि कैश लिया गया सवाल पूछने के लिए। इस पूरे विषय को हम टाइमलाइन के साथ आपको बताएंगे और फिलहाल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है यह मामला, यह भी हम आपको बता दें। अच्छा, साथ में आज का अपडेट यह है कि इन दोनों के मामले पर एथिक्स कमेटी के अंदर यह पूरा मामला गया था और एथिक्स कमेटी ने इन्हें अब संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पूरी घटना विस्तार से, लेकिन एक बीच में क्विक अपडेट है जो आप लोगों को पता हो, और वो ये है कि यदि आप में से कोई भी साथी
हमारे साथ जुड़ करके अपना जीएस फाउंडेशन मजबूत करना चाहता है। जैसे ना ये प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या है, संसद से रिलेटेड प्रश्न है, तो इस पर हमने पूरी पॉलिटी पढ़ाई हुई है हमारे रुद्र फाउंडेशन बैच के अंदर। एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं, केवल 7 डेज के लिए एडमिशन ओपन है। मात्र 1999 के अंदर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी आपको डिटेल में फाउंडेशन लेवल पर पढ़ाई जा रही है। और हां, उनमें जो पढ़ाया जाता है वो नोट्स बाइलैंग्वल होते हैं, इसी कारण हमारे नोट्स भी अगर आप अलग से परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आपको मात्र 1999 में 3000 पेजेस के अराउंड के नोट्स हैं, बंडल है, वो आपके घर पर कुरियर कर दिया जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग कुरियर, वो 1999 में आपके घर पर पहुंच रहे हैं। ये जरूरी सूचनाओं में आपके सामने है। तो चलिए शुरुआत से आपको सारी बातें बताते हैं कहां से मामला शुरू हुआ। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये मामला सबसे पहले निकलकर आया जब किसी ने ये शिकायत की। क्या शिकायत की? जय अनंत देहदराई ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में महुआ के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज कराया। तारीख थी 14 अक्टूबर। जय अनंत देहदराई जाकर के शिकायत किए कि साहब महुआ मोइत्रा भ्रष्टाचार में और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। यह बात जब सीबीआई के पास पहुंची जय अनंत के माध्यम से, तो 15 अक्टूबर को बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो लोकसभा के स्पीकर महुआ ओम बिड़ला जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर जब किसी सांसद के खिलाफ शिकायत हो चुकी है तो सर उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। तो साहब उन्होंने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण भी होगा, जांच बिठाई जाए, इस मामले में अगर कोई सत्यता है तो उसको परखा जाए, तब जाकर इस काम को किया जाएगा। तो बोले हां। तो फिर क्या हुआ? तो इसी विषय के ऊपर संसद, अच्छा आपको मैं एक जानकारी और दे देता हूं। देखिए हमारी जो पार्लियामेंट है ना, दिस इज नॉन एज क्वाजी ज्यूडिशियल बॉडी। क्वाजी ज्यूडिशियल का मतलब क्या होता है? जैसे न्याय देने का कार्य, हम मानते हैं कि न्याय देने का कार्य कोर्ट्स का होता है, लेकिन संसद भी न्याय दे सकती है। दिस पावर इज नॉन एज क्वाजी ज्यूडिशियल, अर्ध न्यायिक शक्ति। अर्ध न्यायिक का मतलब हुआ कि वो न्यायपालिका के साथ साथ और भी कार्य कर रही है, क्योंकि विधायिका का कार्य तो वो कर ही रही है लेजिस्लेचर का, लेकिन वो न्याय देने का कार्य भी साथ साथ कर रही है, और इसी कारण से उसे आपने क्वाजी ज्यूडिशियल बॉडी कहा। तो बोले एक काम करते हैं हम संसद की एथिक्स कमेटी के पास। अच्छा क्या है कि संसद में दिन भर केवल बहस जो हमको दिखती है टीवी पर यही नहीं हो रही होती है, और भी बहुत सारे कार्य हो रहे होते हैं। क्या हो रहा होता है असल में? क्या है ना कि संसद के अंदर जितने भी प्रकार के मसले होते हैं उनको निपटाने के लिए अलग अलग प्रकार की समितियां बनी होती हैं। जैसे कई तो आपने पढ़ी होंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोक लेखा समिति, वित्त समिति, प्राकलन समिति के अंदर नाम सुने होंगे आपने। ऐसे ही सांसद के द्वारा किए गए आचरण पर जांच करने के लिए एक आचरण समिति जिसे एथिक्स कमेटी कहते हैं, कि कहीं सांसद ने कोई जानकारी झूठ तो नहीं दे दी, इवन मंत्री ने भी कोई जानकारी झूठ तो नहीं दे दी, उसने अपने पद का दुरुपयोग तो नहीं कर लिया। अब आप पूछेंगे इसकी आवश्यकता क्या है, जब कोर्ट है तो इसकी आवश्यकता क्या है? देखिए इसकी आवश्यकता है, आवश्यकता यूं है क्योंकि संसद जो है ना वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। किस चीज के लिए? कि संसद में अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो पूछी गई चीज को आप संसद में, अगर मान लीजिए संसद से अंदर आपने कोई भी सवाल जवाब किए, तो उसके ऊपर आप कोर्ट में या पुलिस के पास जाकर के शिकायत नहीं कर सकते। हाल ही में एक याद मामला होगा, हमने किया भी था अंकित इंस्पायर इंडिया पर, गोमूत्र स्टेट का एक बयान दिया था एक सांसद थे डीएमके के, उनके द्वारा कि बीजेपी वहां जीतती है जहां गोमूत्र स्टेट है। आप में से कईयों ने सोचा होगा इनके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की गई कोर्ट्स में, क्योंकि संसद में बोली गई जो चीजें उनके लिए वो आदमी प्रोटेक्टेड है, उनको नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आप संसद में ऐसे तो कुछ भी बोल दोगे या संसद में कोई भी आचरण कर दोगे। इसलिए एथिक्स कमेटी जैसी एक डिसिप्लिनरी कमेटी है जो बनाई गई है, जिसका कार्य होता है कि वो इन चीजों की जांच करे। कोई बात नहीं साहब, एथिक्स कमेटी को शिकायत सौंपी। इस बीच में महुआ मोइत्रा जो है वो पहुंच जाती है दिल्ली हाई कोर्ट और कहती है कि मेरी मान हानि हुई है, मेरे खिलाफ इस तरह की बातें की गई हैं। तारीख दर तारीख आगे बढ़ती हैं, अगला दिन निकलता है, 18 अक्टूबर आता है, लोकसभा ने निशिकांत दुबे को नोटिस जारी करके कहा कि 26 अक्टूबर को आप पहुंचे और जो आपकी शिकायत है वो हमारे सामने पेश करें। साहब कोई बात नहीं। इसी बीच में 19 अक्टूबर को जो बिजनेसमैन दर्शन हीरा नंदानी है उन्होंने एफिडेविट दे करके ये कह दिया कि महुआ के द्वारा, यानी महुआ मोत्रा के द्वारा पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी उनको सौंपा गया था। अब आप कड़ी दर कड़ी जोड़ते चलिए, मामला और खतरनाक होता जा रहा है। अभी तक यह मामला मानहानि के नाम पर कोर्ट में गया था, महुआ मोइत्रा को लग रहा था कि उनके बारे में कोई भी बात बाहर नहीं आएगी, लेकिन इस बीच में वो खुद व्यापारी बाहर निकल आया और कहने लगा कि मैडम ने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड मुझे दिया हुआ है। अब यह तो भाई साहब ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हो गया कि आपको जो ताकत है वो किसी और के द्वारा पावर में ली जा रही है। कोई बात नहीं, महुआ पर आरोप लगा कि दर्शन के सिर पर बंदूक रखकर, मतलब महुआ ने ये एक मतलब डायलॉग मारा कि दर्शन हीरा नंदानी को धमका करके ये बात बुलवाई गई है। कौन सी बात?
कि तुम ये बोलो कि मेरे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है। अब देखिए, एक तरफ जयानंद देअदराई हो गया, दूसरी तरफ में दर्शन हीरानंदानी हो गया, और महुआ कह रही है कि जबरदस्ती उनसे बुलवाया जा रहा है, मुझे जबरदस्ती मेरा शिकार किया जा रहा है, मेरा विच हंट किया जा रहा है। कोई बात नहीं साहब, मामला थोड़ा और आगे चलता है। 21 अक्टूबर आती है, निशिकांत दुबे का फिर दावा आता है कि इनकी जो संसदीय आईडी है यह दुबई में खोली गई। अब यह सवाल तो भाई साहब नेशनल इंटरेस्ट में और बड़े लेवल पर पहुंच गया। हालांकि ऐसा होता है कि सांसदों के पीए होते हैं, पीए लोग क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, वो सांसद महोदय को देते हैं, सांसद के पास में ड्राफ्टिंग फ्रेमिंग इनके लिए टीम होती है और टीम करती भी है। लेकिन यह प्रश्न अब पहुंच गया दुबई के साथ कि दुबई में इंटरनेट गवाह दे रहा है कि यह प्रश्न तो साहब वहां पर भी ओपन हुआ। अब देखिए, मुद्दा यह है कब जब कोई दूसरा देश इन्वॉल्व हो जाए कि दुबई के अंदर आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड खुल रही है, इसका मतलब मामला तो संजीदा हो गया। और सवाल पूछा क्या जा रहा है, अडानी के बारे में जानकारी दो, और अडानी की जानकारी लेकर के फायदा किसको पहुंचाया जा रहा है, तो साहब दर्शन हीरानंदानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। साहब यह मामला और आया। 27 अक्टूबर को महुआ बाहर आती हैं और कहती हैं एक टीवी इंटरव्यू में कि हां मैंने गिफ्ट लिया था। किससे गिफ्ट लिया था, दर्शन हीरानंदानी से। और गिफ्ट लेना, उन्होंने कहा कि गिफ्ट लिया था और साथ ही उन्होंने अपने आईडी और पासवर्ड भी सौंपे थे। किसको, दर्शन हीरानंदानी को। यह सुर्खी बन जाता है कि महुआ ने खुद स्वीकार कर लिया। अब क्या होगा, अब तो यह सारा मामला एथिक्स कमेटी के पास विद एविडेंस हो गया, सामने वाला स्वीकार कर रहा है। 31 अक्टूबर को महुआ का आरोप लगता है कि मुझे एक फोन और ईमेल आता है एप्पल की तरफ से, जिसमें यह कहा जाता है कि केंद्र सरकार मेरे फोन को हैक करने की कोशिश कर रही है। कोई बात नहीं, एथिक्स कमेटी कहती है कि मैडम बहुत हो गया, आपसे जब हमने पहले आपको बुलाया था तब आपने आने से इनकार कर दिया, आपने कहा कि अभी हमारे यहां पर नवरात्रि का पर्व चल रहा है इसलिए नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप इधर उधर टीवी में जाकर के बयान दे रही हैं। मैडम जी आप आए और एथिक्स कमेटी के सामने आकर अपनी बातें रखें। मैडम जी 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने पहुंचती हैं। एथिक्स कमेटी के अंदर सांसद ही होते हैं, वो सांसद इनसे सवाल पूछते हैं कि मैडम जी जरा बताइए क्या क्या हुआ था, आपने क्या गिफ्ट ली थी, कहां गई थी, कैसे हुआ था। महुआ मैडम इस बात से नाराज हो गई कि आप लोग मुझसे मेरे व्यक्तिगत प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। अरे मैडम जी आपने गिफ्ट लिए हैं इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। इस बात पर मैडम जी नाराज होकर के तुरंत वहां से बाहर निकल आती हैं और कहती हैं कि उन्होंने एक इज्जत तार तार कर दी एक सांसद की, एक महिला की, और ऐसे अपमानजनक सवाल पूछे और इसलिए मैं वहां से बाहर निकलकर आ जाती हूं। कोई बात नहीं साहब, 9 नवंबर का दिन आता है। 9 नवंबर के दिन एथिक्स कमेटी ने महुआ के खिलाफ प्रॉपर तरीके से एक रिपोर्ट तैयार की। कमेटी के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया कि मैडम जी बात ऐसी है कि आपने जो भी बातें बोली समझ में आती हैं, लेकिन इस पर अब फैसला तो होकर रहेगा क्योंकि अल्टीमेटली आप फॉल्ट में हैं, और फॉल्ट में हैं इसलिए आप चिल्ला रही हैं। 10 नवंबर को एथिक्स कमेटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला जी को अपनी रिपोर्ट दे दी और कहा कि इनको लोकसभा से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। नवंबर की बात है ये, आज जब आप ये सेशन सुन रहे हैं 9 दिसंबर हो चुका है। अब आप पूछेंगे इतने दिन से कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि साहब विंटर सेशन शुरू ही अब हुआ है। विंटर सेशन शुरू हुआ दिसंबर के अंदर, और एथिक्स कमेटी के चेयरमैन के द्वारा यह रिपोर्ट पकड़ा दी गई बिड़ला जी को, और बिड़ला जी के पास जब यह रिपोर्ट पहुंची तो उन्होंने बाइज्जत मैडम से कहा कि मैडम जी आपको निष्कासित किया जाता है। आप एक बार के लिए ये वीडियो सुन सकते हैं। अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोहत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निरीक्षकों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोहत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है, और इस कारण को लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हां कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 11 दिसंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
अब साहब मैडम जी का निष्कासन हो गया, मैडम जी का निष्कासन हो गया, मैडम जी बाहर निकल कर आती हैं और मैडम जी बाहर आकर के फिर बयान देने लगती हैं कि मेरे साथ संसद के द्वारा जो किया गया वो एक तरफ तो संसद कहती है कि हमने महिला विधेयक, महिला आरक्षण बिल पास किया है, ऐसी स्थिति में संसद के अंदर एक तिहाई महिला सांसदों के लाने की तैयारी करती है यह सरकार, और वहीं दूसरी ओर विच हंट किया जाता है एक महिला का, 78 महिला सांसद हैं उनमें से मैं एक हूं, पहली बार की सांसद हूं और मेरे साथ ऐसा किया गया, और वहीं दूसरी ओर एक और सांसद जिनके बारे में विदुड़ी जी ने बहुत अपशब्द कहे थे, बोले उनके खिलाफ जिस सांसद ने कहा था उन पर अभी तक कोई कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की गई है, इन्होंने मामला उठा दिया, अब ये संसद से बाहर आ गई। But it has presided over the most tenacious witch hunt of one of 78 women MPs, a first-timer, a single woman with no political lineage, elected from a far-flung constituency on the Bangladesh border. This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you're finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malafide intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me there at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's Suomoto affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. There is no evidence of any cash, of any gifts, anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors. And the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye badwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets.
আদিভান হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই স্বজন হারানে শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই ইদি এন্ড অফ ইউ ডু নট ওয়ান্ডার পাঞ্জাব সিন্ধ গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য পাঞ্জাব সিন্ধ ইজ নট আওয়ার্স দ্রাবিড় ইজ নট ইয়ার্স উৎকল ইজ নট ইয়ার্স বঙ্গ ইজ নট ইয়ার্স Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. Used every tenant. This is the beginning of your end. Jab naash manush par chhata hai, to pehle vivek mar jata hai. We're going to come back and we're going to see the end of it. So thank you very much. Oh, well done. संसद से इनका निष्कासन हो गया। संसद में इनके समर्थन में बहुत सारे सांसद बायकॉट करके बाहर चले आए। अब देखने वाला मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब होगा क्या भविष्य में। अपोजिशन पार्टी या इंडी अलायंस, क्योंकि टीएमसी इंडी अलायंस में शामिल है, तो ऐसी स्थिति में क्या टीएमसी और इंडी अलायंस इस विषय को मुद्दा बनाएगी कि महिलाओं का अपमान हुआ, या फिर बीजेपी या एनडीए इस बात का मुद्दा बनाएगी कि सवाल के लिए पैसे लिए थे। तो देखिए, एथिक्स कमेटी ने कैश फॉर क्वेरी मामले के अंदर फैसला सुनाते हुए महुआ मोइत्रा जी की जो सांसदी है वो तो ले ली है। अब देखना होगा कि रोड पर कितनी फाइट जबरदस्त होती है, क्योंकि महुआ मोइत्रा अब अपने लिए संसद से बाहर निकलकर जनमत जुटाने का प्रयास निश्चित करेंगी। बस इस विषय पर आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संभव है कि आपको यह पूरा विषय बहुत आसान भाषा में समझ में आया होगा। अगर आया हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद। और हां, जरूरी जानकारी, वो जो अपनी पाठशाला पर हमने अपना बैच लॉन्च किया हुआ है वो जाकर तुरंत बुक कर लीजिए। कारण ये है, 7 डेज में ही वो 1999 का उपलब्ध है। न्यू ईयर से हर बैच की प्राइस हम डबल करने का प्लान कर रहे हैं। आपका समय शुभ हो।